दोस्तों, औरत की इन तीन गलतियों के कारण पति की मृत्यु पहले हो जाती है। भगवान करे दुनिया की कोई भी औरत यह तीन गलतियां कभी न करे, नहीं तो पति की मौत बहुत जल्द होती है। दोस्तों, पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक माने गए हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि एक व्यक्ति का जीवन तब तक अधूरा माना गया है जब तक उसका जीवन साथी अर्थात उसका विवाह न हो जाए। आपको बता दें, अर्धांगिनी कहे जाने वाली पत्नी अपने पति को मृत्यु से बचाने के लिए कई ऐसे प्रयास करती हैं, ताकि उसका पति मृत्यु से बचा रहे। जैसे करवा चौथ का व्रत रखना, कई पूजा पाठ करना, धार्मिक यात्रा करना, वट सावित्री का व्रत रखना आदि शामिल है। लेकिन फिर भी वृद्ध होने से पहले पति की मृत्यु हो जाती है। गरुण पुराण में बताया गया है कि जब कोई पत्नी यह तीन गलतियां करती है तो उसका पति मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात पत्नी से पहले युवा अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाती है और पत्नी को युवा अवस्था में ही अकेला रहना पड़ता है। ऐसी स्त्रियां अपने पति से वंचित रह जाती हैं। अगर आप भी ये तीन गलतियां करती हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से धर्म रक्षा चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले हम बताना चाहते हैं कि वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से कारण हैं। जब कोई नारी खास तौर पर करवा चौथ पर या वट सावित्री के व्रत में या कोई भी पति के लिए अगर आपने व्रत रखा है और आप चुपके से भोजन ग्रहण कर लेते हैं अर्थात पानी भी अगर पी लेते हैं, तो इससे निकट भविष्य में पति की मृत्यु आवश्यक पूर्वक हो जाती है। मन में भोजन के लिए लालसा भी व्रत के दौरान नहीं रखना चाहिए। ऐसी महिला को कई जन्मों तक पति से वंचित रहना पड़ता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि व्रत के दौरान जब कोई नारी व्रत को चुपके से तोड़ देती है और किसी को पता तक नहीं लगने देती, तो फिर भी पति की मृत्यु युवा अवस्था में हो जाती है। गरुण पुराण में बताया गया है कि जब कोई नारी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, तब उसको व्रत के दरमियान भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, अर्थात व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने के बाद ही व्रत तोड़ना चाहिए। तभी ही पति की आयु लंबी होती है और निकट भविष्य में पति पत्नी दोनों में दरार नहीं पड़ती, बल्कि प्यार और बढ़ जाता है। इससे पति की आयु बढ़ती चली जाती है और सात जन्मों तक का साथ मिल जाता है। दोस्तों, नारी की दूसरी गलती होती है बात बात पर पति की झूठी कसमें खाना, पति से बात बात पर झूठ बोलना, झगड़े आदि करना, मुख से गंदी गंदी पति को गालियां देना घोर पाप के बराबर माना गया है। ऐसा माना जाता है कि निकट भविष्य में ऐसे रिश्ते टूटकर बिखर जाते हैं और युवा अवस्था में पति की मृत्यु हर हाल में हो ही जाती है। कई लोग करवा चौथ का व्रत रखते हैं और श्रद्धा पूर्वक इसको निभा भी लेते हैं, परंतु बात बात पर पति की झूठी कसमें खाना और गंदी गंदी गालियां देना, पति को लातों से मारना, बात बात पर परेशान करना, तो इससे पति की मृत्यु जल्दी हो जाती है। और ऐसी नारी को गरुण पुराण के अनुसार पति से हमेशा के लिए वंचित रहना पड़ता है, क्योंकि पति परमेश्वर का रूप है। दोस्तों, नारी की तीसरी गलती होती है, गरुण पुराण में बताया गया है कि जब कोई नारी मांस का सेवन करती है तब उसके पति पर कष्ट आते हैं और उसकी मृत्यु युवा अवस्था में हो जाती है। खासकर बृहस्पतिवार के दिन बाल धोने से पति की आयु और संतान दोनों की मृत्यु निकट भविष्य में हो जाती है। पति के होते हुए पराये पुरुष को देखने पर या संबंध स्थापित करने पर पति की मृत्यु युवा अवस्था में हो जाती है। जब कोई नारी अपना मंगलसूत्र उतार देती है
और मांग भी सुना रखती हो। ऐसे में हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल अगर वह नहीं पहनती है तो इससे निकट भविष्य में विरद्ध यानी बुढ़ापा आने से पहले पति युवा अवस्था में मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाता है। पति से पहले भोजन करने वाली नारी का पति भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। रात देर तक सोने वाली और सुबह देर तक उठने वाली नारी का पति भी युवा अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कभी न करें, जो महिला हफ्ते के किसी भी दिन व्रत नहीं रखती हो तो उसका पति भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हम मोटिवेट होते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है।